गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम्स. वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास. सो चिल्ड्रन, एस वी हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे. यस सो चिल्ड्रन, ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड द क्वेश्चन आंसर्स. यस सो चिल्ड्रन, इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल. देन वी हैव डिस्कस्ड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. यस चिल्ड्रन, सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस जेंडर. ओके सो चिल्ड्रन, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस जेंडर ऑफ नाउन्स. ओके, जेंडर ऑफ नाउन्स. सो चिल्ड्रन, वॉट इज मीन बाय दैट? जेंडर ऑफ नाउन्स मीन्स वॉट, डू यू नो? यस, सो अ नाउन इज सेड टू बी इन द मैस्कुलिन जेंडर इफ इट रिफर्स टू मैन, बॉयज और मेल एनिमल्स. ओके सो हियर चिल्ड्रन सी जेंडर ऑफ नाउन्स. सो चिल्ड्रन, वॉट इज मीन बाय दैट? Gender of nouns means what? So we have learned the types of noun, like common noun, proper noun, then abstract noun, collective noun. Yes, but what is mean by gender of noun? Yes, so children, it is very simple. Yes, gender noun means what? A noun is said to be in the masculine gender if it refers to man, boys or male animal. For example, man, lion, king and horse. A noun is said to be in the feminine gender if it refers to the woman, girls or female animals. So, bachcho, masculine means what? Masculine means masculine gender. It refers to men, boys or male. Okay, jo kisse related hota hai, boy, male animal ya fir मैन को हम क्या बोलते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर. जैसे कि मैन, लायन, किंग, हॉर्स, ये सभी क्या हैं? मेल हैं. यस, सो देन फेमिनाइन जेंडर मीन्स फीमेल, मैस्कुलाइन जेंडर मीन्स मेल, फेमिनाइन जेंडर मीन्स फीमेल. सिंपल. ओके, मैस्कुलाइन जेंडर, इट रिफर्स टू मैन, बॉयज और मेल एनिमल्स. सो मैन इज अ मैन, लायन, किंग एंड हॉर्स, सो दीज आर मेल्स. यस, सो अ नाउन इज सेड, understood, masculine gender means what? In simple words, male. Okay, male gender. Then what is meant by feminine gender means female. Is that clear? So here a noun is said to be in the feminine gender if it refers to woman, girls or female animals. For example, woman, lioness, queen, male. Yes, तो जो horse का जो male female वाला female होता है उसको हम male बोलते हैं. और king, मेल, फीमेल, क्वीन. लायन, मेल, लायननेस, फीमेल. मैन, मेल, वुमन, फीमेल. इजंट इट? सो चिल्ड्रन, मैन इज अ मेल जेंडर, वुमन इज अ फीमेल जेंडर. लाइक दैट, लायन इज अ मेल, लायननेस फीमेल, किंग मेल, क्वीन फीमेल, हॉर्स मेल, मेल फीमेल. ओके, जो हॉर्स का जो फीमेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेल. ओके, सो अ नाउन इज सेड टू बी इन द कॉमन जेंडर इफ इट कैन बी यूज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. सो नाउ वी हैव लर्न मैस्कुलाइन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर. देन व्हाट इज मीन बाय कॉमन जेंडर? तो अब हमने क्या देखा बच्चों? हमने पढ़ा कि फेमिनाइन जेंडर किसको बोलते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर किसे बोलते हैं. मैस्कुलाइन जेंडर मीन्स जो मेल जेंडर होता है, मीन्स जैसे लड़का हो गया. यस, मैन, किंग, हॉर्स, ये सब क्या है? मेल हैं. सो फीमेल, फेमिनाइन जेंडर मीन्स फीमेल, लाइक वुमन, लॉयननेस, क्वीन और मेल. ओके, सो नाउ वी हैव लर्न मैस्कुलाइन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर. देन व्हाट इज मीन बाय कॉमन जेंडर? डू यू नो व्हाट इज मीन बाय कॉमन जेंडर? सो कॉमन जेंडर, अ नाउन इज सेड टू बी इन द कॉमन जेंडर इफ इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. ऐसा वो जेंडर जिसे हम बोथ, हम मेल के लिए भी यूज़ करते हैं, फीमेल यूज़ के लिए भी यूज़ करते हैं. जैसे चेयरपर्सन, ना तो ये मेल हो गया या ना तो ये फीमेल हुआ. यस, लाइक ए, जस्ट लाइक अ टीचर. टीचर हम मेल को भी टीचर ही बोलते हैं, फीमेल टीचर को भी टीचर ही बोलते हैं. मेल टीचर को क्या हम टीचर ही बोलते हैं? यस, तो जैसे अब हम मैडम और सर, ये क्या है? ये जेंडर को डिफाइन करते हैं. बट जो वर्ड है टीचर, वो क्या करता है? यस, वो क्या करता है बच्चों? वो क्या करता है? यस, वो किसी को डिफाइन नहीं करता. यस, टीचर मीन्स हम टीचर कॉमनली सभी के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल. अगर आपके इस क्लास में कोई टीचर है या फिर वो लेडीज़ हो या फिर जेंट्स, आप क्या बोलते हो? टीचर बोलते हो. यस,
So a noun is said to be in the common gender if it can be used for both males and females. So children, this is called common gender. Like for example, children, teacher, and for example, child. We can't say this girl, boy, yes. So child means it's a common gender, yes. It is said to be in a common gender if it can be used for both males and females, yes. So children, both males and females, we can use child, yes. Then baby, swimmer, runner, teacher, doctor, yes. So children, a noun is said to be in the common gender if it can be used for both males and females. जो दोनों gender के लिए हम use करते हैं, जैसे कि teacher हो गया, doctor, child, baby, swimmer, तो ये सब क्या है? Yes, एक common gender है, okay? So masculine gender means जो males होते हैं, जैसे कि man, lion, king, horse, okay? So then female, feminine gender means female genders, like woman, lioness, queen, male, ये क्या हो गया? Female gender हो गया. अब common gender क्या हो गया? Common gender, जिसे हम दोनों male के लिए भी use करते हैं, female के लिए भी use करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? Common gender, जैसे doctor, teacher, child, baby. अभी आप देखो, वो बेबी मेल हो फीमेल हो, आप उसको क्या बोलते हो? बेबी मीन्स ना तो मेल ना तो फीमेल, यस. सो जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइक स्विमर, रनर, टीचर, डॉक्टर, यस, चेयरपर्सन, यस चिल्ड्रन. सो नाउ लेट्स क्लासिफाई दिस नाउन्स इनटू मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर. ओके, नाउ कम टू ओपन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक पेज नंबर 37. यस चिल्ड्रन, come to the page number 37. Classify these nouns into masculine or feminine gender. अभी मैंने आपको बताया masculine means male, feminine means female. So here children, they have given one box, masculine and feminine. So here what we have to do, we have to classify these nouns into masculine and feminine gender. So here children, in masculine, here we can say, here we can write here uncle, stag, nephew, prince, actor, bull, peacock, hero. Yes, bridegroom, yes, uncle is a masculine and aunt is a feminine, isn't it? Uncle is a masculine, aunt is a feminine. Stag is a masculine, doe is a feminine. Nephew is a masculine, niece is a feminine. Prince is a masculine, princess is a feminine. Actor is a masculine, actress is a feminine. Bull is a masculine, cow is a feminine. Peacock is a masculine, peahen is a feminine, peahen, yes, peahen, peacock, peahen. Hero is a masculine, heroine is a feminine. Bridegroom is a masculine, bride is a feminine. So children, here come to the E. So this is over. Now come to the section E, pick out words of the common gender from this list. So children, what we have did here? So we have classified these nouns into masculine and feminine gender, isn't it? Here we have classified these nouns into masculine and now feminine. So children, now the next we will do, here we have to pick out words of the common gender from this list. So already we have learned what is meant by common gender. Yes, common gender means a noun is said to be in the common gender if it can be used for both male and female. So here children, see, like manager is a common gender, yes. तो हम ये क्या करते हैं, वर्ड हम दोनों के लिए यूज़ करते हैं, यस. मैनेजर क्या करते हैं, हम दोनों के लिए यूज़ करते हैं. वैसे ही डायरेक्टर, वी नॉट से डायरेक्टर नी, यस, मैनेजर नी, नो, वी यूज़ मैनेजर डायरेक्टर फॉर बोथ जेंडर, फॉर मैस्कुलाइन एंड फॉर फेमिनाइन जेंडर, यस. सो दिस आर सम कॉमन जेंडर्स फॉर वी यूज़ फॉर बोथ जेंडर्स, मैस्कुलाइन एंड फॉर फेमिनाइन. फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर, चेयरपर्सन, डायरेक्टर, पुलिस ऑफिसर, हेड टीचर, चिकन, डकलिंग, यस. सो हेयर चिल्ड्रन, पोस्ट वूमन, हेड मास्टर, फोल, ब्रेक, ये क्या है? कॉमन जेंडर नहीं है, यस. सो मैनेजर इज अ कॉमन जेंडर बिकॉज वी यूज दिस वर्ड फॉर बोथ जेंडर, फॉर मैस्कुलाइन एंड फॉर फेमिनाइन ऑल्सो. डायरेक्टर, पुलिस ऑफिसर, हेड टीचर, देन डकलिंग, चिकन, ओके.
So children, I hope you understood masculine and feminine and then common gender. So children, what we have learned today? So children, we have learned genders of nouns. Yes, in today's class we have learned gender of nouns. Yes, masculine gender, then we have learned feminine gender, then we have learned common gender, and we have classified these nouns into masculine and feminine. Yes, then we have picked words of the common gender from this list. Yes, so children, what you have to do, you have to complete your fair. So in the next class we will learn multiple meanings of words, means prefix, suffix, and then we have learned children suffix, then we have will learn prefix, then verbs. Okay, so children, in the next class we will learn multiple meanings of words. So children, till then, stay home, stay safe. Thank you. Bye bye.